हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड क्रम्स की रेसिपी, यानी कि ब्रेड का चूरा हम बनाना सीखेंगे। किस तरह से घर में आप बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स, जिसको कि आप महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, और किसी भी स्नैक को, आलू टिक्की हो, वेजी बर्गर हो, किसी भी स्नैक को आप क्रिस्पी क्रंची बनाने में यूज़ कर सकते हैं। कैसे इसको बनाना है, स्टोर करना है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ, दो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। पहली ये कि जो ब्रेड क्रम्स होते हैं फ्रेश भी बनाए जाते हैं, यानी कि ताज़ी जो ब्रेड होती है उसको पीस कर भी ब्रेड क्रम्स बनाए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। साथ ही स्टोर कैसे कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स को, तो वो वाले ब्रेड क्रम्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो जगह ब्रेड। तो जो हमें ताज़े क्रम्स बनाने, उसके लिए मैंने कम ब्रेड ली है, 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली है, और जिनको हमें स्टोर करना है उसके लिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर ब्रेड लेकर रखी है, लगभग 10 ब्रेड के करीब है। तो इस तरह से ब्रेड की क्वांटिटी तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों ही केस में हमें ब्रेड को सबसे पहले हाथों से तोड़ना होगा। तो ये जो 4 ब्रेड है जिससे हमें फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, इसको हम साइड में सबसे पहले रख देते हैं, और जिसको हमें स्टोर करना है सबसे पहले उसको हाथों से इस तरह से तोड़ लेते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रेंड्स ब्रेड क्रम्स बनाने के। एक तरीका मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, यहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ब्रेड क्रम्स विदाउट अवन। तो अवन में भी ब्रेड क्रम्स बनाए जाते हैं, पर यहाँ पर बहुत आसान तरीका मैं सिखा रही हूँ, जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गैस भी नहीं जलानी है, आपको अवन की ज़रूरत भी नहीं होगी। बिना किसी खर्चे के, बिना मेहनत के, बिना फालतू मेहनत के आप घर में ब्रेड क्रम्स आसानी से बना सकते हैं। तो ज़्यादा वाली जो ब्रेड थी उसको भी हाथों से हमने तोड़ लिया, और ये देखिए 4 ये जो ब्रेड की स्लाइसेस है इसको भी हाथों से इस तरह से हम तोड़ लेंगे। यानी कि आपको मेहनत भी नहीं करनी है, कोई खर्चा नहीं करना है, गैस भी नहीं जलानी है, और आपके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, मिनटों में बनेंगे एक खास ट्रिक के साथ। किस तरह से बनाना है देखते रहिए, इस वीडियो को आप एंड तक देखें, तो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है ये। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाना दिखा देती हूँ। इसके लिए आप ग्राइंडिंग जार में 4 ब्रेड की स्लाइसेस को हाथों से तोड़कर इस तरह से डाल दें, और ढक्कन लगाकर पल्स करते हुए इसको 2 से 3 बार आप चर्न करेंगे, तो आपको फ्रेश ब्रेड क्रम्स मिल जाएंगे, जिसको कि आप स्नैक्स वगैरह में अंदर मिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा फ्रेश ब्रेड क्रम्स के बारे में, तो यही है वो फ्रेश ब्रेड क्रम्स। बहुत आसान रेसिपी है, मुझे मालूम है इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तो लेकिन दिखाना मेरा काम है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और आराम से आप इसको यूज़ कर लें, किसी भी बॉक्स में भरकर रख दीजिए, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर बाहर आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर किचन में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आगे देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमने ज़्यादा सी ब्रेड ली थी उसको हाथों से तोड़कर हमें सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ना भरें, बहुत ज़्यादा भरने से क्या होता है, अगर आप एक बार में ज़्यादा भर देंगे तब भी हमें इसको थोड़ा सा पल्स करने में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा थोड़ा डालें, 2 से 3 बार करेंगे पल्स, तो ही आपको इस तरह से क्रम्स मिल जाएंगे। तो सभी को मैंने इसी तरह से पीस लिया है। तो यहाँ पर अभी तो हमने इसको फ्रेश ब्रेड क्रम्स में कन्वर्ट किया है, अब हमें इसको क्या करना है, ड्राई करना है, सुखाना है। तो सुखाने के लिए फ्रेंड्स, आपको गैस की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अवन की भी ज़रूरत नहीं है, माइक्रोवेव की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको किसी इसको डाल देना है स्टील की ट्रे में, या फिर आप इसको किसी भी कपड़े पर सुखा दीजिए धूप में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत जल्दी सूखती है, और जो ये वाला सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, इसमें तो फ्रेंड्स ये 2 घंटे में ही सूख कर इतनी ड्राई हो जाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा देख कर। तो मैंने एक बड़ी सी ट्रे ली है, और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ब्रेड क्रम्स, और इसको मैं धूप में रख दूंगी, और फिर देखिए आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, एक बार में ही आपका काम आसान हो जाएगा। वरना हमें क्या करना होता है कि सिंपली हम ब्रेड लेते हैं, ब्रेड को सबसे पहले सुखाते हैं, गैस पर सुखाते हैं, या फिर बाहर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाती है हाथों से टुकड़े करते हैं, टुकड़े भी बहुत टाइट हो जाते हैं उसके, ब्रेड बहुत टाइट हो जाती है, तो टुकड़े करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इस केस में कुछ भी हमें नहीं करना है, सिंपली मिक्सी ने सारा काम किया है, उसके बाद में बाकी का काम धूप को करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फैलाना है और उसके बाद में भरकर रखना है। तो इस तरह से पतली पतली लेयर थोड़ी सी धूप में सुखा दीजिए, और एक दो बार आप थोड़ा सा हाथ मार दीजिए, ताकि सारा ब्रेड क्रम्स ऊपर नीचे हो जाए, अच्छे से ये सूख जाएगा, उसके बाद में आपको इसको भरकर रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ब्रेड क्रम्स है फ्रेंड्स, बनकर बिल्कुल तैयार है 2 घंटे के बाद। हाथों से अगर आप इसको मैश करेंगे, देखिए मैं आपको जो टाइमिंग बता रही हूँ, बिल्कुल 2 घंटे में ही मैंने इसको सुखाया है। हाथों से क्रश करेंगे आराम से, इसका पाउडर और भी ज़्यादा महीन हो जाएगा। तो जितना भी आपको बारीक करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो इसको एक बार आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। हाथों से ही इसको, हाथों से हल्का सा मसल लीजिए, और बस आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। इसको फटाफट से आप किसी भी बॉक्स में स्टोर कर लीजिए,
कोई भी आप स्नैक बना रहे हो, क्रिस्पी क्रंची बनाना है उसको, बर्गर बनाना आप शुरू कर रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा आलू का और जो आपका सब्जियों का मिक्सचर है उसमें आप मिला लीजिए, तो फिर देखिए आपके जो बर्गर है, आपकी टिक्की है, आपके जो कटलेट्स हैं, रोल्स हैं, कितने बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है, अब मैं जा रही हूँ इसको स्टोर करने। तो स्टोर करने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं, स्टील का कोई भी डब्बा ले सकते हैं, किसी भी बॉक्स में आप भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर आप इसको रूम टेम्परेचर पर, यानी कि किचन की जो भी आपकी कैबिनेट है जिसमें आपने मसाले रखे हुए हैं, जहां भी आप इसको स्टोर करना चाहें, बिंदास आप छोड़ दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे अगर आपका जो डिब्बा है एयर टाइट है। हाँ, अगर उसमें सांस रहेगी, यानी कि अगर आप उसको एयर टाइट नहीं रखेंगे, उसको अच्छे से बंद नहीं करेंगे, तो चींटियां लग सकती हैं। तो देखिए इस तरह से आप भर कर रख दीजिए और आप इसको घर में बनाकर ज़रूर देखें। बहुत अच्छी रेसिपी है, बनाकर ज़रूर देखिए और कैसी लगी रेसिपी लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स बनाए हैं वाइट ब्रेड से बनाए हैं, आप चाहें तो इसको ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो देखिए बनाकर देखिए और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।